फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले बेसन के चीले, जो कि बनाने में बहुत ही इजी एंड क्विक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट और इतना यम्मी लग रहा है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्ची, बारीक कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च और हरा धनिया। मैंने एक बर्तन में 2 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं। इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला। और डाला है जीरा, 1 टीस्पून जीरा डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, प्याज 2 से 3 मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं वो डालेंगे, 1 से 2 टमाटर बारीक कटे हुए और 1 से 2 शिमला मिर्च बारीक कटे हुए। अभी ऊपर से हम डाल देंगे धनिया। अब इस सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, अब इसमें हम डालेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका घोल बना लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, तो आप अपनी तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तवा लेंगे, इसे अच्छे तरीके से गर्म हो जाने पे हम इसमें हल्का सा तेल लगा के इसमें अच्छे तरीके से बैटर को फैला लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें बैटर को फैला लेना है और मीडियम आँच पर इसे पकने देना है। जैसे ही ऊपर से हल्का सा पक जाए, नीचे से हम इसे स्क्रैप करके निकालेंगे और इसे ध्यान से पलट देंगे ताकि ये टूटे ना। और ऊपर से हम इसे थोड़ा हल्का हल्का दबा के प्रेस करते हुए इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि कहीं से भी ये चीला हमारा कच्चा ना रहे। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। ये हमारा बेसन का चीला रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी सब चीले बना लेंगे। इसे भी हमें इसी तरीके से पका लेना है और जैसे ही ऊपर से हल्का पक जाए इसे हमें पलटी करके दबाते हुए अच्छे तरीके से पका लेना है। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमारा बेसन का चीला बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इतने अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आया है और यम्मी लग रहा है।